नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल मास्टर जी पे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो है हमारे इस चैनल पर चलाई जाने वाली सवाल जवाब सीरीज की 43वीं Q&A वीडियो। इस वीडियो में हम शामिल करेंगे आप लोगों के द्वारा पूछे गए उन सवालों के जवाबों को जो सवाल आप लोगों ने हमसे पूछे थे हमारी इस पिछली Q&A वीडियो में। तो अगर आपके मन में भी हो भारतीय सिक्के और नोटों से जुड़ा हुआ इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा सवाल, तो आप लोग अपने उस सवाल को नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे #masterji लगाकर पूछ सकते हैं और आपके उस सवाल का जवाब आप लोगों को मिलेगा हमारी अगली Q&A वीडियो में। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के सवालों का सिलसिला। तो बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। ये सवाल हमसे किया है लेजेंड एलएस प्रो ने। ये जानना चाहते हैं 1908 के वन क्वार्टर आना एडवर्ड किंग के क्वाइन की वैल्यू। तो एडवर्ड 7 के इस तरह के वन क्वार्टर आना के सिक्के 1903 से लेके 1910 के बीच में जारी किए गए थे, जिनकी पूरी डिटेल में जानकारी मैंने आप लोगों को अपनी इस वाली वीडियो में दी थी। हालांकि अगर हम यहाँ पर बात करें सिर्फ 1908 के इस सिक्के की कीमत की, तो ये वन क्वार्टर आना का सिक्का बना होता है ब्रॉन्ज मेटल का, जिसका वजन होता था 4.85 ग्राम। इन सिक्कों को सिर्फ और सिर्फ कैलकटा मिंट से ही जारी किया गया था। और अगर हम यहाँ पर बात करें इस तरह के सिक्के की कीमत की, तो वो कीमत डिपेंड करेगी इस सिक्के की कंडीशन पे। जहाँ पर ये सिक्का अगर आपके पास UNC यानी कि बिल्कुल नई कंडीशन में निकल आता है, तो ऐसी कंडीशन का 1908 का सिक्का आप लोगों को दिला सकता है लगभग 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए के बीच में। हालांकि अगर कंडीशन वेरी फाइन से लेके एक्स्ट्रा फाइन तक होती है, यानी कि अगर आपके सिक्के में एडवर्ड 7 के बाल नजर आ रहे हो, तो वो सिक्का बिक सकता है लगभग 100 रुपए से लेके 500 रुपए के बीच में। हालांकि अगर सिक्के की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो फाइन से नीचे वाली कंडीशन में इस सिक्के की कीमत जाती है लगभग 30 रुपए से 100 रुपए के बीच में। तो अगले सवाल की तरफ बढ़े तो ये सवाल हमसे पूछा है सुदुपितो सरकार जी ने। ये जानना चाहते हैं गोल्डन जुबली इंडो पाक वॉर 1965 इस 5 रुपए के कमेमोरेटिव क्वाइन में फर्स्ट स्ट्राइक को कैसे पहचाने। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 2015 में जारी हुए इस 5 रुपए के सिक्के में आती है दो अलग अलग स्ट्राइक्स। एक होती है फर्स्ट स्ट्राइक, जिन सिक्कों को सबसे पहले जारी किया गया था, और उसके बाद जारी होने वाले सिक्कों को कहा जाता है सेकेंड स्ट्राइक क्वाइंस। अब इन सिक्कों में से फर्स्ट स्ट्राइक वाले सिक्कों को कैसे पहचानना है, उसको समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले समझना होगा कि फर्स्ट स्ट्राइक होता क्या है। तो यहाँ पर न्यूमिस्मैटिक फील्ड में जो फर्स्ट स्ट्राइक की डेफिनेशन है, वो ये है कि जब एक सिक्के को ढालने से पहले एक नई डाई तैयार की जाती है, और उस नई डाई से बनाए जाने वाले सबसे पहले सिक्कों को कहा जाता है फर्स्ट स्ट्राइक क्वाइंस। इस तरह के फर्स्ट स्ट्राइक क्वाइंस में आप लोगों को देखने को मिलती है एक शार्प फिनिशिंग, जैसा कि आप लोग इस सिक्के में भी देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे हाथ में है गोल्डन जुबली 1965 ऑपरेशन का फर्स्ट स्ट्राइक का क्वाइन, वहीं आप दूसरी तरफ सेकंड स्ट्राइक का क्वाइन भी देख सकते हैं। अब इनमें फर्क की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो सरफेस है वो बहुत ही ज्यादा चमकीला और शाइनी है। यहाँ पर अगर आप लोग इस तरह से इसको देखते हैं, तो इसमें एक मिरर फिनिशिंग भी देखने को मिलती है, जो कि आपको सेकंड स्ट्राइक वाले कॉइंस में देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी पहचान की बात करें तो इस फर्स्ट स्ट्राइक वाले सिक्के के जो एज होंगे वो भी बहुत ही ज्यादा शार्प होंगे, जबकि वहीं सेकंड स्ट्राइक वाले कॉइंस के एजेस इतने शार्प आपको नहीं देखने को मिलते हैं। तीसरी जो पहचान आप लोगों को देखने को मिलेगी वो होगी इसके मिंट मार्क में। तो इसमें जो फर्स्ट स्ट्राइक का क्वाइन था, उसका जो मिंट मार्क था वो सेकंड स्ट्राइक वाले सिक्के से काफी छोटा था। हालांकि इस तरह से पहचान करने के लिए आप लोगों के पास इस तरह के दोनों ही सिक्के होने चाहिए, तभी आप इन सिक्कों के मिंट मार्क्स को कंपेयर कर पाएंगे। तो पहचान के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इस तरह के सिक्कों में आने वाली दोनों ही स्ट्राइक्स की कीमत की, तो कीमत की पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को अपनी इस वाली वीडियो में दे रखी है, जिसका लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो अगले सवाल की तरफ बढ़े तो ये सवाल हमसे पूछा है सूफिया खातून जी ने। ये लिखती है कि मेरे पास नोएडा मिंट का 2 रुपए का 1992 का सिक्का है, इस सिक्के की क्या कीमत होगी। तो हाल ही में मैंने अपनी एक वीडियो में इस 2 रुपए के 1992 के नोएडा मिंट के सिक्के का जिक्र किया था। ये जो क्वाइन है वो है 2 रुपए की नेशनल इंटीग्रेशन की थीम का सबसे ज्यादा महंगा क्वाइन। 1992 का नोएडा मिंट का ये सिक्का काफी ज्यादा मुश्किल से ही आप लोगों को देखने को मिल
मिलेगा। और अगर आप में से किसी के पास ये सिक्का निकल आता है यूएनसी कंडीशन में, तो उस कंडीशन में इस सिक्के की कीमत लगभग 2000 या उसके ऊपर भी जा सकती है। हालांकि मैंने हाल ही में ऐसा एक एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का सिक्का खरीदा है लगभग 1500 रुपए में, जबकि ऐसा ही एक वेरी फाइन कंडीशन का सिक्का मैंने कुछ समय पहले खरीदा था लगभग 1000 रुपए के आसपास। तो सिक्कों की कीमतें कंडीशन पे काफी ज्यादा डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर अगला सवाल है मनोज कुमार जी का। ये लिखते हैं, मेरे पास मौलाना अबुल कलाम आजाद के 5 रुपीस के 2 क्वाइंस हैं और दोनों ही क्वाइंस में 5 o'clock रोटेशन एरर है। ये जानना चाहते हैं कि इन सिक्कों की क्या वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही समझा दूं कि रोटेशन एरर्स क्या होते हैं। तो जब आप किसी क्वाइंस के ऑब्वर्स साइड को इस तरह से रखते हैं और उसे इस तरह से रोटेट करते हैं, तो अगर वो सिक्का नॉर्मल होगा तो वो आपको बिल्कुल सीधा ही नजर आएगा, क्योंकि हमारे देश के सिक्कों का ओरिएंटेशन यही होता है। हालांकि अगर आपके सिक्के में रोटेशन एरर होगा, तो इस तरह से रोटेट करने पे उसका जो रिवर्स साइड होगा वो घड़ी की सुइयों की किसी न किसी दिशा में जरूर होगा। तो अगर वो सिक्का हो 5 o'clock यानी कि 5 बजे की दिशा में, तो इस एंगल को हम बोलेंगे 5 o'clock रोटेशन एरर। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सबसे ज्यादा कीमती रोटेशन एरर की, तो वो होता है लगभग 6 o'clock का एरर, क्योंकि उसमें सिक्का होता है बिल्कुल उल्टी दिशा में। हालांकि यहाँ पर जो सवाल है वो है 5 रुपीस के अबुल कलाम आजाद के सिक्के पर, जिसका रोटेशन एरर है 5 o'clock पे। तो कमेमोरेटिव क्वाइंस में इस तरह के एरर्स थोड़े से स्केयर या फिर रेयर माने जा सकते हैं, और अच्छी कंडीशन होने पर इस तरह का 5 o'clock रोटेशन एरर वाला क्वाइन लगभग 500 रुपए से 1500 रुपए के बीच में बिक सकता है। तो यहाँ पर अगला सवाल आया है मोहम्मद रफीक जी की तरफ से। ये लिखते हैं, मेरे पास एक 1 रुपी का क्वाइन है एल्युमिनियम का, उस क्वाइन का वेट है 4 ग्राम। ये जानना चाहते हैं कि इस सिक्के की क्या वैल्यू हो सकती है। तो हालांकि यहाँ पर रफीक जी ने ना तो इस सिक्के का ईयर मुझे मेंशन किया है और ना ही मुझे इस सिक्के की पिक्चर्स मेरे फेसबुक या फिर ईमेल आईडी पर भी नहीं भेजी है। हालांकि इनके सवाल से साफ पता लग रहा है कि इनका सिक्का है एक ऑफ मेटल स्ट्राइक यानी कि OMS। अगर इनके पास ये सिक्का सच में अच्छी कंडीशन में मौजूद है और अगर वो सिक्का असली है, तो एल्युमिनियम से बने इस तरह के 1 रुपए के सिक्के के बदले में इनको काफी अच्छी कीमत मिल सकती है। और कीमतों की बात करें तो मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूँ, जिनकी मदद से आप लोग ये अंदाजा लगा पाएंगे कि ये सिक्के कितने ज्यादा कीमती हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने है 1 रुपए का 1985 का कोलकाता मिंट का क्वाइन। ये क्वाइन भी था एल्युमिनियम से बना हुआ एक OMS स्ट्राइक। तो ये सिक्का 2018 में तोड़ी वाला ऑक्शन में नीलाम किया गया था 35,000 रुपए में। हालांकि इससे कम अच्छी कंडीशन वाले सिक्के भी यहाँ पर बिकते हुए नजर आ चुके हैं, जिनकी कीमत भी लगभग 12,000 से 15,000 रुपए के बीच में आंकी गई थी। अगला सवाल आया है अंशु पठानिया जी की तरफ से। ये लिखते हैं कि इनके पास है एक 25 पैसे का 1978 का बॉम्बे मिंट का क्वाइन। ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्का रेयर की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ 1978 के 25 पैसे के सिक्कों की, तो इस ईयर में ये सिक्के जारी किए गए थे कॉपर निकल मेटल में, जिनका वजन होता था 2.5 ग्राम। और 1978 में इन सिक्कों को भारत की 3 मिंटों से जारी किया गया था, जिसमें थी बॉम्बे, कैलकटा और हैदराबाद की मिंटें। यहाँ पर 1978 के कैलकटा मिंट के सिक्के तो कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं, हालांकि यहाँ पर बॉम्बे और हैदराबाद मिंट के 1978 के सिक्के आते हैं स्केयर की कैटेगरी में, यानी कि ये सिक्के बहुत ज्यादा कीमती तो नहीं है। हालांकि फिर भी इन सिक्कों की यूएनसी कंडीशन में कीमत चल रही है लगभग 10 रुपए से लेके 30 रुपए के आसपास। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ें, तो ये सवाल हमसे पूछा है गगन चंद्र साहू जी ने। ये चाहते हैं कि मैं इनका डाउट क्लियर करूं 5 रुपए के सी सुब्रमण्यम के क्वाइंस पे, जिनमें मुंबई मिंट के सिक्कों में देखने को मिलती हैं 2 मिंट वेराइटीज, जहां पर कुछ सिक्के तो होते हैं डायमंड मिंट मार्क वाले जो कि रेयर की कैटेगरी में भी आते हैं। वहीं जो बड़ी संख्या में बॉम्बे मिंट के सिक्के देखने को मिलते हैं वो होते हैं विदाउट मिंट मार्क वाले, यानी कि वो सिक्के देखने में लगते हैं कोलकाता मिंट के ही क्वाइंस।
तो ये जानना चाहते हैं कि विदाउट मिंट मार्क वाले सिक्कों की पहचान कैसे करें, कि कौन सा सिक्का है बॉम्बे मिंट का और कौन सा सिक्का है कोलकाता मिंट का। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि 2010 में जारी हुए सी सुब्रमण्यम जी के क्वाइंस में 4 अलग अलग मिंट्स के क्वाइंस देखने को मिलते हैं, जहाँ पर नोएडा, हैदराबाद, कोलकाता और बॉम्बे मिंट के विदाउट मिंट मार्क वाले सिक्के तो कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं, जिनकी कीमतें भी UNC यानी कि बिल्कुल नई कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा जा सकती है 20 रुपए से 30 रुपए तक। हालांकि वहीं बॉम्बे मिंट के डायमंड मिंट मार्क वाले सिक्कों की आज के समय में UNC कंडीशन में कीमत चल रही है लगभग 1500 रुपए तक, और यही सिक्का इन सिक्कों में सबसे ज्यादा कीमती माना जाता है। हालांकि यहां पर सवाल कीमत का नहीं बल्कि पहचान का था, तो इनमें विदाउट मिंट मार्क वाले बॉम्बे और कैलकटा मिंट के सिक्कों की अलग अलग पहचान तो काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दिखने में दोनों ही सिक्के बिल्कुल ही सेम लगते हैं। हालांकि दोस्तों न्यूमिस्मैटिक फील्ड के कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो इनमें बॉम्बे मिंट और कोलकाता मिंट के सिक्कों की पहचान की जा सकती है इसमें शर्ट के बटन से, जहां पर बॉम्बे मिंट के विदाउट मिंट मार्क वाले सिक्के में आप लोगों को ये बटन दिखेगा थोड़ा उभरा हुआ, जबकि वहीं कोलकाता मिंट के सिक्कों में आप लोगों को यहाँ पर जो बटन है वो अंदर की तरफ धसा हुआ दिखेगा। तो होपफुली इस तरीके से आप लोग इस तरह के सिक्कों को अलग अलग पहचान पाएंगे। लेकिन दोस्तों पहचान का ये जो तरीका है ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी कहा जा सकता है। अगला सवाल हमसे पूछा है हर्ष रंजन जी ने, ये जानना चाहते हैं कि 10 रुपए के नेशनल आर्काइव्स नोएडा मिंट के सिक्कों के फुल पैकेट की क्या कीमत होगी। तो यहाँ पर मेरे पास खुद नेशनल आर्काइव्स के 10 रुपए के सिक्कों के पैकेट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो नोएडा मिंट के सिक्कों का पैकेट है ये पैकेट मुझे पड़ा था लगभग 1800 रुपए के आसपास, और इस एक सील्ड पैकेट में होते हैं 100 सिक्के। हालांकि यहाँ पर अगर हम बुक के रेफरेंस से देखें तो बुक में इस तरह के नोएडा मिंट के सिक्के की कीमत मेंशन की गई है 50 रुपए। हालांकि नोएडा मिंट के ये सिक्के आप लोगों को 25 रुपए के अंदर भी मिल सकते हैं। तो अगला जो सवाल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वो सेम सवाल आप लोगों में से काफी सारे लोग मुझे हर वीडियोस में पूछते रहते हैं कि माता वैष्णो देवी के 5 रुपए के सिक्के की क्या कीमत है, या फिर माता वैष्णो देवी के 10 रुपए के सिक्के की आज के समय में क्या कीमत हो सकती है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि माता वैष्णो देवी के 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के काफी ज्यादा कॉमन हैं। 5 रुपए वाले सिक्के की ज्यादा से ज्यादा कीमत 10 रुपए और 10 रुपए वाले सिक्के की ज्यादा से ज्यादा कीमत 20 रुपए तक हो सकती है, वो भी सिर्फ तब जब वो सिक्के हो UNC कंडीशन में और उनको कोई कलेक्टर खरीदने में इंटरेस्टेड हो। नहीं तो इस तरह के सारे ही सिक्के कॉमन की कैटेगरी में ही आते हैं, और अगर कोई इस तरह के माता वैष्णो देवी के सिक्कों की कीमत हजारों और लाखों में बता रहा है तो समझ लीजिएगा कि वो एक फ्रॉड इंसान है और वो आपके साथ फ्रॉड करने के लिए ही ऐसा कर रहा है। तो इस तरह से लाखों और करोड़ों रुपए के दावे करने वालों से आप लोग हमेशा सावधान रहें। अगला सवाल है शुभम में शाक्य जी का, ये जानना चाहते हैं 1940 के जॉर्ज 6 किंग एम्परर के सिल्वर क्वाइन की कीमत। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने अपने सवाल में सिक्के का डिनोमिनेशन ही नहीं लिखा है कि इनका 1940 का सिल्वर क्वाइंस कितने रुपए का है, क्योंकि 1940 में आए थे सिल्वर के 1 रुपी, हाफ रुपी और क्वार्टर रुपी के क्वाइंस। तो अगर आपका सिक्का है यहाँ पर 1940 का 1 रुपी जो कि सिर्फ बॉम्बे मिंट से ही जारी किया गया था, इस सिक्के की आज के समय में कीमत चल रही है 300 रुपए से 600 रुपए के बीच में। ये कीमतें डिपेंड करेंगी सिक्के की कंडीशन पे। इसके अलावा 1940 के हाफ रुपी के सिल्वर क्वाइन की बात करें तो ये सिक्के जारी हुए थे बॉम्बे और कैलकटा मिंट से, और इन दोनों सिक्कों की कीमतें भी फाइन कंडीशन में शुरू होती है लगभग 200 रुपए से, जो की UNC कंडीशन में लगभग 400 रुपए तक जाती है। और यहाँ पर अंत में बात करें 1940 के क्वार्टर रुपी के सिक्के की, तो ये सिक्का भी आप लोगों को देखने को मिलता है बॉम्बे और कैलकटा की मिंटों से। कीमत की बात करें तो इनकी कीमत भी फाइन कंडीशन में शुरू होती है लगभग 100 रुपए से, जो कि UNC कंडीशन में जा सकती है लगभग 200 रुपए तक। अगला सवाल है प्रिया पटेल जी का, ये लिखती है कि मेरे पास 1 क्वार्टर आना 1916 कोलकाता मिंट का क्वाइन है,
प्लीज इस सिक्के के बारे में बताएं और इसकी कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जॉर्ज फिफ्थ के 1/4 आना के सिक्कों में आने वाले सबसे ज्यादा कीमती सिक्के की, तो वो सिक्का होता है 1916 का ही। इस सिक्के की फाइन कंडीशन में कीमत शुरू होती है लगभग 500 रुपए से और ये कीमत लगभग यूएनसी कंडीशन में जाती है 15,000 से 20,000 रुपए के आसपास। हालांकि 1916 के ऐसे ही कुछ सिक्के पिछले ऑक्शंस में बिक चुके हैं लगभग 80,000 रुपए तक, लेकिन दोस्तों उनकी कंडीशन थी जेम यूएनसी और उसमें भी टॉप ग्रेड के सिक्के। तो अगर आपके पास भी ऐसा 1916 का क्वार्टर आना का सिक्का जेम यूएनसी कंडीशन में हो तो उसकी कीमत भी लगभग 20,000 रुपए के ऊपर आराम से जा सकती है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज के इन सवालों से काफी कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर आपके पास भी इंडियन करेंसी से रिलेटेड इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग सा सवाल हो तो आप भी अपने उस सवाल को नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे #masterji लगाकर पूछ सकते हैं, या फिर आप अपने सवाल को पिक्चर सहित हमें हमारी इस ईमेल आईडी या फिर हमारे फेसबुक पेज पर भी सेंड कर सकते हैं। तो मुझे आपके सवालों का बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को और साथ ही दबा दीजिए उस घंटी के बटन को ऑल पे। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।